YouTube फैमिली कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ जी। मैं आज सुबह जो है ना, सुबह सुबह ही मैंने ना मशीन लगा ली थी, कपड़े भी आपके सामने ये देखे मैंने धो के डाल दिए थे, लेकिन लेकिन अजान जो था वो लेट आया था, वो आया था 2 बजे, और उस वक्त 2 बजे तक मैं लाइट जाने से पहले पहले ही कपड़े मैंने धो लिए थे और मैंने सूख भी गए हैं। अब मैं उनको उतार भी हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म इसका रह गया था और मैंने अब इसको भिगो के रख दिया, क्योंकि बिजली बेगम यहाँ आएंगे और ये भी हट, ये देखिए इतना मोटा काला बिल है ना, पता नहीं कहाँ से आया ऊपर। और ये जब भी आती है ना मेरे घर, उधर बैठ जाती है, तो सीढ़ियों में बैठ जाती है या उधर कमरे में बैठ के नीचे चुप करके बैठ जाती है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह की मखलूक है, मैं इसको कुछ नहीं कहती। शायद इसको उधर मेरे घर में ना थोड़ी सी सुकून मिलता है, ये पता नहीं ठंडा होता है कमरा, इसी वजह से भी आके बैठ जाती है। और बल्कि मैंने तो आज इसको कोशिश भी की थी कि इसको कोई चीज डालूं, लेकिन ये मुझसे डर के भाग गई है और शायद अभी मिली भी नहीं है इसी वजह से। तो वीडियो का आगाज मैंने कर लिया था, आज मैंने अपने व्यूवर्स को दुआ नहीं दी और मैं बड़े आराम से आज दुआ दूंगी सबको, खास तौर पे जो मेरे देश से परदेश से बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मैं कोई 10 दफा बल्कि कितनी दफा मेरे दिल से ना दुआएं निकलेंगी, अल्लाह पाक कबूल करे मेरी ये दुआ। सबकी परेशानियां मेरे यूके, खास तौर पे यूके बहन भाइयों वालों के लिए और जो परदेश में लोग हैं, अल्लाह पाक उनके लिए सबकी जायज ख्वाहिशात पूरी करे, सबकी परेशानियां दूर करे, सबके अल्लाह पाक जो बेरोजगार हैं अल्लाह पाक उनकी जॉब लग जाए, और जो बेचारे बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद नरी ना दे, जो बेघर है अल्लाह पाक उनको अपना घर दे। ये अजान भी हो रही है, शायद हल्की हल्की अजान की आवाज वीडियो में भी आ रही हो, तो इसी अजान का वास्ता है, इस असर के टाइम का वास्ता है। जो भी मेरे जो देश से परदेश से बहन भाई उनकी जितनी भी परेशानी है ना, अल्लाह पाक उनकी दूर करे और उनकी जो जायज ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला पूरी करे, और अल्लाह पाक मेरी भी जो जायज ख्वाहिश है अल्लाह पाक तेरी भी पूरी करे, मेरी भी परेशानियां दूर करे। और आज मैंने खसूसी दुआ मांगी है जो मेरे यूके वाले बहन भाई है, जो मेरी माँ की जगह पे है, जो मेरी बहन भाई है, उन सब की ना अल्लाह ताला जायज ख्वाहिशात जो है, जायज जो भी परेशानी है ना उनकी दूर करे और उनकी मुश्किलें आसान करे, और बीमारों को शफा दे, बेघरों को अपना घर दे, खास तौर पे जो सैलाब जदगान है उनके घर जो बेघर हो गए, उनके आशियाने जो है खत्म हो गए, अल्लाह पाक फिर से उनके आशियाने बनाए, उनको अपना घर अपनी छत दे, और वही वो लोग अपने औलाद के लिए अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का कोई सबब बना दे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करे। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी जरूर आमीन सुमामीन पहले कहूंगी, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक मेरे घर का भी कोई अच्छा इला वसीला बन जाए। तो बस यही दुआएं हैं, और साथ साथ हैं हम, आप आपके साथ हैं मेरी दुआएं, और आप लोग जो है ना मेरे साथ साथ रहिएगा। तो बस कपड़े उतार के आज समेट के उसके बाद मैंने कुछ जरा सिलाई का काम भी करना है, और आज जो है ना मेरे घर कुछ नन्हे मुन्ने मेहमान भी आए हुए, मेरे भांजा भांजी, वो तो जाहिर सी बात है मैं वीडियो में उनको नहीं ला के सकती, और वो जरा खाए गए और खेले,
और मैं सोचा मैं थोड़ा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर लूं, कपड़े भी समेट लूं और ब्लॉग भी मेरा शेयर हो जाएगा आपके साथ मेरी वीडियो जो है ना। आज मैंने जो है ना सुबह से बस कपड़े धोने पे लगी हुई थी और जो यहाँ भी आ गया था मदरसे से, और आज वीडियो भी मैंने काफी देर से शुरू की है क्योंकि कपड़े जो थे ना वो बहुत सारे थे और मैं थक गई थी आज, लगा लिए थे। और अब थोड़ा सा ना मुझे मशीन का काम करना था सिलाई का, और मैं कुछ जो है ना सरकारें कटिंग करवाई है ईमान की वो सीनी है मैंने, और ये देखिए काला कपड़ा मैं ले आई थी इसकी जो कटिंग करके सलवार से होगी। ये है कि चलो सिलाई बना घर में कर लेते ना तो सिलाई थोड़ी सी बच भी जाती है, और कल ब्लैक सलवार थी काफी सलवारें जो थी ना खराब सी हो रही थी, तो मैंने कहा ब्लैक इसलिए भी सी रही हूँ कि ये जो है ना हर सूट के साथ चल जाती है। और उधर अजान की जो किताब है ना इसको मैंने 10 बार बोला कि अजान बेटा आप जब भी जाया करो अपनी चीजें समेट के जाया करो, अजान ने सारी चीजें ना इधर खिलाई हुई है, चलो जब भी आएगा तो समेटेगा क्या क्या पढ़ रहे हैं। मैं अब लेके जा रही हूँ मशीन बारिश सैन में, और मैंने कहा थोड़ा मैं कोई गाल कर रहा मेरे ना कोई काम कर रहा मेरे, पहले अपनी दाल दाल बता सुन दे आपको सरायकी समझ आ रही है मेरी, तो आप जो है मेरी चटपटी सरायकी भी सुनते रहे और साथ साथ जो है ना मेरी वीडियो लाइक करते रहे शेयर करते रहे सब्सक्राइब करते रहे, और मेरे जो तो जी मेरे चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं शेयर करते हैं, और नई का मेरे साथ साथ तो मैं जो है आप अपनी शुरुआत सी थी हूँ ईमान की पहले जी हम लोग काली मिल्की इसमें शटल में भरेंगे, और फिर ये देखिए ये जो है ना ये कलर है ये जो है ना ये इसको लपेट लेती हूँ इधर, यहाँ पे जो था भिगो दिया था, अब मैंने सोच ली उसको डाल दूँ तो फसल में भी टाइम लग रहा है फिर वो जो है ना अजान वगैरह करेगा क्योंकि अजान जो मसाला बड़ा हो गया कभी कभी मैं इसको कर देती हूँ और कभी ये खुद करता है स्त्री, अक्सर भी मेरे पास कभी टाइम होता है कभी नहीं होता, लेकिन माशा बड़ा हो गया मुझे इसका जुयान का जो यूनिफॉर्म है वो मुझे खुद करना पड़ता है, अजान मेरा अपना यूनिफॉर्म खुद कर देते हैं। तो आज मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो रहा है, और चीलें जो थी ना अभी नीचे नीचे आ रही थी वो देखे वो चीलें जो है ना नीचे आ रही है क्योंकि आज धूप में ना गर्माइश भी है और जब हवा चलती है तो हवा भी ठंडी लगती है, और वो जो है ना कपड़े भी मैंने धो के डाल दिए थे, और ये देखिए धूप यहाँ तक अब हमारी आती है क्योंकि सर्दी आती जाएगी सर्दी खत्म होती जाएगी, और ना हम लोग जो ना खाने पकाने की तैयारी करेंगे देखते हैं समझ नहीं आ रहा क्या पकाते हैं। तो उसके बाद जो है सिलाई वाले मेरे कपड़े हैं ये भी मैं इनको सिलाई लगाती हूँ बैठ के, फिर उसके बाद ये जो यहाँ की पतंग जो है ना ये देखिए ये भी इधर पड़ी हुई है, लेकिन इस बेचारे के पास टाइम भी नहीं होता खेलने का पतंग का, और ये फट गई है कब से रखी हुई है मैंने पहले भी आपको बताया नहीं ये फट गई है, तो वहां की काई देखा है खेलना है इसको चलो खेलो। और मैं करती हूँ अब सिलाई का काम थोड़ा सा, और थोड़ा सा खाने पकाने का भी कुछ इंतजाम करते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए, तो वीडियो का हम करते हैं यहीं पे इख्तिताम, इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ साथ रहें मेरे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें शेयर कर दें और मेरी वीडियो फुल वॉच करें, और जो छोटी सी बस यही रिक्वेस्ट होती है कि जो मेरे आने वाले नए बहन भाई हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो फुल वॉच करें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। यहाँ से भी कितनी प्यारी हवा आ रही है, और दरवाजा मैं इसलिए भी खोल देती हूँ कि हवा आती जाती है, बेशक पंखे सारे बंद है और ये वाला पंखा भी देख सकते हैं आप ये भी बंद है वो भी बंद है, वो तो बेचारा हमारा छत वाला खराब ही हुआ पड़ा है उसको हमने सही करवाया भी नहीं है, पूरी गर्मियां गुजर गई है और हमने इसको सही नहीं करवाया, तो बस ऐसे गुजारा हो गया। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी, दुआ में रखिएगा याद, अल्लाह।